कानू हलुवाई समाज हुआ सशक्त, संगठन की मजबूती के लिए किया अनोखी पहल, बनेंगे आत्मनिर्भर। अनोखी पहल, कानू समाज के लोगों ने समाज के उत्थान के लिए एकजुट और जागरूक के लिए किया अनिर्वाहन। बघा के होटल में आयोजित कानू हलुवाई मिलन समारोह में पहुंचे समाज के कई दिग्गज, फूलमाला से किया गया सम्मानित। न्यूज 9 टाइम्स पश्चिम चंपारण बघा से नवल ठाकुर की ब्यूरो रिपोर्ट। कानू हलुवाई समाज के लोगों ने समाज के उत्थान, विकसित व खुशहाल बनाने के साथ ही संगठन को सशक्त बनाने के लिए अद्भुत व अनोखी पहल कर जागरूक करने की शुरुआत की है। रविवार को बघा नगर परिषद क्षेत्र स्थित बघा 2 के होटल में आयोजित मिलन समारोह में कानू हलुवाई समाज के पश्चिम चंपारण जिला के साथ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से समाज के कई दिग्गज लोग शामिल रहे। कार्यक्रम के शुभारंभ में आगंतुक अतिथियों ने सबसे पहले समाज के लोगों से परिचय की तथा एक दूसरे से मुखातिब होते हुए मिलन समारोह शुरू की गई कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कानू हलुवाई समाज के समाजसेवी पशुपति नाथ गुप्ता ने समाज के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ ही उनकी उन्नति, प्रगति एवं समुचित विकास के लिए समाज के लोगों को आगे आने का आह्वान किया। कहा कि जब तक हम सजग नहीं होंगे, तब तक कानू हलुवाई समाज के लोग सबल नहीं होंगे। उन्होंने समाज के गरीब लोगों के बेटियों की शादी संगठन के द्वारा कराने की बात कही। समाजसेवी औचित्य लल्ला, रवि किरण प्रसाद, राकेश कुमार, मोनू कुमार ने भी संगठन को सशक्त बनाने की दिशा में पहल की। कहा कि जब तक संगठन सशक्त नहीं होगा, तब तक कानू हलुवाई समाज के लोगों की समुचित विकास संभव नहीं है। उन्होंने समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा कि समाज के लोग जागरूक होकर अपने हक अधिकार के लिए संगठन को धारदार बनाना होगा। यूपी से आए कानू हलुवाई समाज के शत्रुघ्न प्रसाद मदेशिया, रमेश चंद्र गुप्ता व आनंद कुमार गुप्ता ने जातीय संगठन की मजबूती पर प्रकाश डाला। कहा कि जातीय उत्थान सामाजिक व आर्थिक स्थिति के साथ ही शिक्षा जरूरी है, संभव तभी है जब हम एकजुट होकर आर्थिक व सामाजिक रूप से मजबूत बनेंगे। कानू हलुवाई समाज शुरू से ही पिछड़ा है, सामाजिक उत्थान के साथ ही आर्थिक उत्थान होगी, तभी समाज विकसित, प्रगतिशील व खुशहाल बनेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजसेवी जयप्रकाश प्रसाद ने की, संचालन समाजसेवी औचित्य कुमार लल्ला ने किया। कार्यक्रम को राकेश कुमार रीकू, राजन कुमार, मोनू कुमार, विनोद प्रसाद, दयाशंकर प्रसाद, संजय प्रसाद, अंजू कुमारी, उमेश प्रसाद समेत दर्जनों की संख्या में लोगों ने किया। न्यूज 9 टाइम्स। आप सीधा रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आज इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। बड़ी खुशी की बात है कि कानू और हलवाई, कानू की हलवाई दोनों प्रजातियों का आज एक साथ यहाँ पर एकता सम्मेलन हो रहा है। दरअसल हम लोग एक ही जाति के हैं, एक ही समूह के हैं, लेकिन हम लोग को बांट कर लोग चलते थे। ये मेरा सौभाग्य है कि हम लोग अब एक होना चाहते हैं और एकजुट होकर रहेंगे, और इस मंच के माध्यम से हमारे और भी जितने भी बिरादरी हैं, स्वजाति हैं, उनको हम जोड़कर समाज के विकास के लिए शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में आगे हम लोग कैसे बढ़ें, इस पर हम लोग प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? रवि किरण गुप्ता, हलवाई समाज बघा का अध्यक्ष। कानू हलवाई जितने हम लोग साथ हुए, एक एक मिलाने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए, एकता जुट। क्या यह संगठन अभी बना है कि बनने वाला है? नहीं, ये हम लोग बहुत दिन से हम लोग सोच रहे थे। इसके लिए हम लोग सब हमारे भाई बहुत पीछे थे, हम इसके आज पहला बैठक किए। इस बैठक के बाद हम लोग कमेटी के गठन करेंगे दूसरा बैठक में, और एक एकजुटता के साथ इसमें हम लोग बहुत गरीब भाई, हम लोग कानू जाति हम लोग पहले से पिछले हुए जात हैं, लेकिन हम लोग पीछे हमारे कुछ आगे बढ़े हैं, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि जितने लोग हमारे पीछे भाई हैं उनको हम लोग सब एकजुट होकर और कुछ हम लोग फंड इकट्ठा करके, कोई हमारे गरीब भाई हैं उनकी बच्ची है पढ़ाई लिखाई के सब काम में संगठन काम करेगा, और हमेशा के लिए संगठन मजबूत करना है, इसी उद्देश्य से हम लोग आज बैठे हैं। देखा जाता है कि संगठन तो बनता है लेकिन किसी राजनीतिक दल के साथ आगे जाकर मिल जाता है। नहीं, ये संगठन जो है राजनीतिक दल से कोई नहीं है, हम लोग अपना निजी बैठक है कानू हलुवाई समाज के लिए, हमेशा ऐसा ही रहेगा कि किसी दल के साथ बैठक नहीं करेगा, पूरा समाज एक साथ होकर कोई काम करेगा। क्या नाम है आपका? पशुपति नाथ। आज ये कार्यक्रम कानू और हलुवाई जो जाति है, जो हम लोग एक ही पूरी हैं,
इसलिए बैठक बुलाई गई है और सामाजिक रूप से कानू हलवाई जो है काफ़ी पिछड़ापन है, काफ़ी गरीब लोग हैं, काफ़ी पिछड़ापन है इस समाज में, इसलिए इस समाज में संगठन की बहुत दिनों की ज़रूरत थी। उस ज़रूरत को देखते हुए इस समाज के संगठन को बैठक बुलाई गई है। ये पहले बघा नगर परिषद में सभी वार्डों के प्रजातीय बंधु इसमें आए हुए हैं और इसको फिर बाद में प्रखंड और प्रखंड से मंडल स्तर पर इसको डिसाइड किया जाएगा। इसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है कि हमारे समाज के जो गरीब भाई हैं और जो गरीब बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई शिक्षा नहीं हो पा रही है, जो गरीब भाई है जिनका रोजगार नहीं हो रहा है उसके उनके रोजगार की चिंता करना, गरीब कन्याओं की शादी कराना हमने तो प्रजातीय बंधुओं का, और गरीब बच्चों का शिक्षा हो उसके लिए शिक्षा के लिए पैसे आर्थिक प्रबंध करना, ताकि हमारे ये समाज जो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़ापन है वो समाज में दूर हो सके और हम लोग समाज के अग्रिम पंक्तियों में शामिल हो सके। इसका सिर्फ और सिर्फ यही महत्वपूर्ण है।